नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी भारत पर और मैं हूं आपके साथ कोमल तिवारी। बेंगलुरु में महालक्ष्मी मर्डर मिस्ट्री और उसके साथ हुए हैवानियत आपके रोंगटे खड़े कर देगी। दिल्ली में पिछले साल श्रद्धा की मर्डर मिस्ट्री ने पूरे देश को हिला के रख दिया था, जिसमें श्रद्धा के बॉयफ्रेंड ने 36 टुकड़ों में उसकी लाश बड़े से फ्रीजर में रखकर धीरे धीरे ठिकाना लगाया था। जिसने भी इस हैवानियत की दास्ता सुनी उसके खून खौलने लगा था। लेकिन अब बेंगलुरु में भी वैसी ही हैवानियत की खबर रोंगटे खड़े कर देने वाली है। इस तस्वीर में हंसती मुस्कुराती महालक्ष्मी है, जिसकी लाश के 30 टुकड़े उसके ही घर में फ्रीज में मिले हैं। जी हाँ, खुद के घर में ही मिले हैं। ये सोचकर ही जिस्म सिहर उठता है कि कोई इंसान नहीं, जिंदा शैतान ही ऐसे हैवानियत भरे काम को अंजाम दे सकता है। बता दें, महालक्ष्मी के जिस्म के 30 टुकड़े फ्रिज में मिले हैं। ये टुकड़े बुरी तरह से सड़ चुके थे। हालांकि आशंका जताई जा रही है कि महालक्ष्मी की हत्या करके 10 दिन पहले ही उसके टुकड़े करके फ्रिज में रख दिए गए थे, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी। महालक्ष्मी एक मॉल में काम करती थी। महालक्ष्मी पिछले 9 महीनों से अपने पति हेमंत दास से अलग रह रही थी। वह एक इमारत की पहली मंजिल पर फ्लैट किराए पर ले रखा था। एक बेडरूम वाले फ्लैट में अकेले ही रहती थी। हालांकि बिल्डिंग मालिक जयराम उसी इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं। बता दें, घटना शनिवार को दोपहर करीब 3:30 बजे तब सामने आई, जब महालक्ष्मी की माँ और बड़ी बहन घर के मालिक ने बुलाया। दरअसल इलाके में बदबू फैलने के बाद मकान मालिक ने महालक्ष्मी के परिवार को कॉल की थी। महालक्ष्मी की माँ और बहन ने देखा कि सामने का दरवाजा बाहर से बंद था। जब दरवाजा खोला तो फर्श पर कीड़े रौंदते नजर आ रहे थे। कमरे में भी भीषण बदबू आ रही थी। उन लोगों ने पाया कि कुछ कीड़े 165 लीटर के सिंगल डोर फ्रिज से बाहर निकल रहे हैं। फ्रिज में कुछ सड़ने का आभास होने से उन्होंने फ्रिज खोला और सड़ी हुई लाश को देख दोनों बेहोश हो गए। पड़ोसियों ने बताया कि महालक्ष्मी 5 महीने से वहां रह रही थी। सुबह 9:30 बजे मॉल में अपनी नौकरी के लिए जाती थी और रात के 10:30 बजे तक वापस आ जाती थी। हालांकि एक शख्स सुबह महालक्ष्मी को लेने आता था और रात को वापस घर छोड़ता था। अब इस हैवानियत भरे खौफनाक वारदात के सामने आने के बाद पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि क्या हत्यारों में एक या उससे ज्यादा लोग शामिल थे। पुलिस को शक है हत्यारा महालक्ष्मी को जाने वाला ही था, क्योंकि घर का कोई भी सामान चोरी नहीं हुआ है, ना इधर उधर है। इसका मतलब साफ है कि ना कोई फोर्स से घर के अंदर दाखिल हुआ और ना ही महालक्ष्मी को मारने से पहले कोई लड़ाई झगड़ा हुआ। इसका मतलब साफ है कि ना कोई फोर्स से घर के अंदर दाखिल हुआ है और ना ही महालक्ष्मी को मारने से पहले कोई लड़ाई झगड़ा। पुलिस उस लड़के की तलाश कर रही है जिसके साथ महालक्ष्मी आती जाती थी। कुछ लोगों का कहना है कि उस पिक एंड ड्रॉप वाले लड़के ने महालक्ष्मी को प्रपोज किया था। दोनों के बीच अफेयर था, जिसके चलते ही महालक्ष्मी के परिवार ने उसे छोड़ दिया था। हालांकि इस मामले में अब मृतक महिला के पति हेमंत दास ने बड़ा दावा किया है। हेमंत दास ने दावा किया है कि उसकी पत्नी अशरफ नाम के युवक के साथ रिश्ते में थी और उसी ने उसकी हत्या की और शव के टुकड़े कर फ्रिज में रख दिए। अब इंतजार है कि पुलिस इस खौफनाक मर्डर मिस्ट्री के कातिल को कब ढूंढ पाती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बनी रहिए एनबीसी भारत के साथ। नमस्कार।